रविवार 28 नवंबर को महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह की 114वीं जयंती उनके पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा कपिलेश्वर सिंह के आवासीय परिसर में मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने की। अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर एवं महाराजा कामेश्वर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद शुरू किया गया। वहीं इस अवसर पर दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल एवं अन्य उपकरण का भी वितरण किया गया। दरभंगा के जिला पदाधिकारी ने कहा कि राज दरभंगा के योगदान को सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता है। इस अवसर पर दरभंगा नगर निगम के महापौर ने भी अपना विचार व्यक्त की। वहीं इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन कुमार कपिलेश्वर सिंह की पत्नी कविता सिंह ने की। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। 114वां जयंती समारोह में मुझे आमंत्रित किए जाने के लिए मैं पूरे राज परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे खुशी है इस समारोह में मैं भाग ले पाया, और कुछ भी ऐसा था कि बीच में भी मैंने उचित समझा कि 10 मिनट समय निकाल करके यहाँ पर अब सबके बीच उपस्थित रहें और इस ऐतिहासिक जो क्षण है इसमें एक भाग बने। तो श्री कपिलेश्वर जी ने सारे बातें आप लोगों के समक्ष रखा, जिस प्रकार हर क्षेत्र में इस देश का और बिहार का विकास के लिए श्री महाराजा अधिराज कामेश्वर सिंह ने अपने योगदान किस प्रकार के दिया, और अपने सारे संपत्ति से लेकर के अपने सारे संसाधन को देश और बिहार के हित में, जनहित में और विकास के लिए कैसे समर्पित किया, इसके बारे में डिटेल बताया गया। और मुझे खुशी है कि आज भी उस परंपरा को कायम रखा जा रहा और बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं इन सब इतिहासों को याद करने का और इसको एक सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, उस सेलिब्रेशन में, उस एक जो समारोह में मुझे भी भाग लेने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कपिल सिंह जी का जो इम्प्रिंट था वो आज भी देखने को मिल रहा है। हमारा देश के जो फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग देखते थे रेलवे स्टेशन के जो गैलरी में और म्यूजियम में, किस प्रकार उन्होंने साइमन कमीशन यहाँ आया था और सारे महाराजाओं का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, ये बहुत ही ऐतिहासिक एक स्थल रहा। और यहाँ का जो परंपरा है वो बहुत बहुत इस देश का एक शान के रूप में जाना जाता था। हम लोग यही चाहेंगे कि जिस तरह कामेश्वर सिंह जी ने पूरे शहर में, पूरे देश में अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है, आप उसी तरह कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग भी कुछ उनका अंश अपने ऊपर लें और हम लोग उसी तरह कुछ बने, जो कि ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग में अगर असर आ जाता है तो हम भी शहर के गरीब लोग के लिए कुछ कर पाए, यही हमारी तमन्ना रहेगी, यही हम आज यहाँ संकल्प लेते हैं। और 114वां जयंती है मेरे बाबा जी सर महाराजा धीराज जी कामेश्वर सिंह जी का 114वां जयंती है। पिछले साल भी हम लोगों ने दिव्यांग के लिए कैंप लगाया है, आज भी वही हम लोगों ने दिव्यांगों के लिए कैंप लगाया है, जिसमें मुफ्त ट्राईसाइकिल, कैलिपर, वैसाखी आदि का वितरण हुआ। तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा? एकदम कंटिन्यू रहेगा। पिछले साल भी हुआ, उससे पहले भी हम लोग मेडिकल कैंप्स लगाते थे, फिर कैंसर पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने कीमो थेरेपी का व्यवस्था किया था, फिर पेशेंट्सों के लिए हम लोगों ने महावीर संस्था, कैंसर संस्था को भेजा गया पेशेंट्स को, फिर हम लोगों ने, फिर मेरे फादर का जब जयंती था तो स्पोर्ट्स इवेंट हम लोगों ने क्रिकेट टूर्नामेंट का हम लोगों ने आयोजन किया था, फिर फरवरी में फिर हम लोग करने जा रहे हैं। तो जब गरीब निसहाय की मदद करते हैं जी, तो क्या चलता है दिल के अंदर, कैसा लगता है, भाव क्या पैदा होता है? देखिए, चैरिटी रन्स इन माय ब्लड, DNA में है। आप कामेश्वर सिंह जी का पूछिए, रामेश्वर सिंह जी, मेरे फादर सुबेश्वर सिंह जी, उन्होंने सब कुछ ही डोनेट कर दिया, राइट? तो वो तो हमारे ब्लड में है। बहुत अच्छा, बहुत ही गर्व लगता है हमें, जो आई फील वेरी प्राउड। मैं तो चाहता हूँ और करूँ, बट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम भर प्रयास करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। ऑकेजन ऑन द 114th
birth anniversary of Maharaj Adhiraja Dr. Sir Kameshwar Singh Ji of Darbhanga, who was a great patriot and philanthropist. On behalf of the entire Raj family and the organizing committee, I take this pleasure to thank DM Sir Dr. Tyagarajan SM, who had been out here and graciously managed to spare some time for us in spite of his tight official schedule. Thank you very much, sir. I would also like to take the opportunity to thank Srimati Vaijayanti Kheria, who spared her equal valued time to present out here. I would like to thank Dr. Harishankar Mishra, who was out here present and to grace this occasion. We also have on this dais with us Shri Ratneshwar Singh Ji, and I extend my heartfelt thanks. Our thanks are also due to respected Dr. Raman Kumar Varma, who, as always, has cooperated with us wholeheartedly. I would like to show my indebtedness to the members of the electronic and the print media for their valuable presence out here. Last but not the least, I thank all my family members, our friends, staff, and well-wishers who had labored hard to make today's function a success. Thank you.